गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड आवर लेसन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इन दिस चैप्टर वी स्टडी दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन आवर अर्थ. वन इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड अदर इज़ हिटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स. हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. ओके, लाइक एनिमल्स योर ह्यूमन बींग्स. ओके, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. बिकॉज प्लांट्स ऑलवेज शोज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड. ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोट्रॉपिक मीन्स फूड, कि अपना फूड क्या बनाना, खुद प्रिपेयर करना. ओके, तो देखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड प्रिपेयर देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अपना फूड तो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कौन सी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से वो फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट. किसके अंदर होती है हमेशा फोटोसिंथेसिस की, अगर साइट पूछी जाए आपसे, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, दैट इज लीव्स. और लीव्स भी कौन सी, लीफ भी कौन सी, ग्रीन लीव्स. ठीक है, किस लीव्स के अंदर होती है हमेशा फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स के अंदर. ठीक है, हैंस लीव्स आर ऑफन कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, बिकॉज इनके अंदर ही फूड बनता है, लीव्स के अंदर ही फूड बन रहा है, तो क्या बोलेंगे इनको, फूड फैक्ट्रीज. फोटोसिंथेसिस, आगे फर्स्ट हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस होती क्या है. वैसे आपने क्लास सिक्स में भी स्टडी कर रखा है कि इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है, विद द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो देखो एक बार, द वर्ड फोटो, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट. ठीक है, जहाँ पे वर्ड आ जाए फोटो, फोटो मीन्स क्या होता है साइंस में, लाइट. ठीक है, ये फोटोग्राफ वाला फोटो नहीं है, फोटो मीन्स लाइट. ठीक है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस हमेशा किसकी, जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, सनलाइट. तो जब भी लाइट प्रेजेंट होगी, ठीक है, कौन सी लाइट, ये नहीं है मतलब लाइट सिर्फ कौन सी प्रेजेंट होनी चाहिए हमारी, सनलाइट. ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि प्लांट्स क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे. तो देखो, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, पुटिंग टुगेदर. सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, पुटिंग टुगेदर. तो देखो, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ग्लूकोज प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, क्या होता है इसके अंदर, कि सबसे पहले क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होना ही चाहिए सबसे पहले, मेन कंडीशन ही है. उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होना चाहिए, वाटर, H2O. पता है वाटर क्या होता है, क्या होता है, H2O. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा, CO2. ठीक है, इनका साइज सेम रहेगा. तो CO2 प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. किस किस की प्रेजेंस होती है, सनलाइट प्लस सेकंड क्या होता है हमारे यहाँ पे, क्लोरोफिल. ठीक है, ये दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पे, प्रेजेंट होने चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल. देन लास्ट में क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज. क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस. यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस. ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज बाय द प्लांट्स एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज बाई एनिमल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन. ओके, देखो नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस हमेशा सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. क्लोरोफिल अब कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है लीव्स, बिकॉज आपको पता है सारी किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की. ठीक है, तो ग्रीन कलर की लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. सेकेंड क्या होता है, सनलाइट. सनलाइट भी वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाटर. वाटर क्या होता है, अब देखो फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन रिक्वायरमेंट किसकी होती है, वाटर की. तो देखो, वाटर प्लांट्स के अंदर कैसे जाता है, आपको पता है, द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोयल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स. कि रूट्स के अंदर देखो, प्लांट में क्या प्रेजेंट होती हैं, रूट्स. और रूट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोयल के अंदर.
तो इस टाइप से हमारी एक रूट होती है, उसके अंदर से आपने कभी भी किसी भी प्लांट के रूट्स देखी होंगी, तो ऐसे बहुत सारी रूट्स निकली होती है ना एक मेन रूट के अंदर से। तो जो मेन रूट होती है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी रूट, क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी रूट। और जो यहाँ से जो निकली होती है इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स। तो इनके ऊपर क्या होता है, अब इसमें क्या प्रेजेंस प्रेजेंस आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, रूट हेयर्स। तो देखो, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू टेनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जाइलम। कि इनके अंदर रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इस वाटर को कहाँ तक सप्लाई करता है, प्लांट के अपर पार्ट तक। ठीक है, कहाँ तक जाता है प्लांट्स के अपर पार्ट तक, चाहे वो लीव्स है, स्टेम है, ठीक है, रूट्स हैं। रूट्स से एब्जॉर्ब, रूट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, सोयल से। सोयल से क्या करेंगे, रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे। और उस वाटर को, रूट्स का तो सिर्फ किसका वह फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन का। अब उसको क्या करना है, सप्लाई करना है प्लांट्स के हर एक पार्ट तक। तो उसको वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए टिश्यू कॉल्ड जाइलम, यानी मैं उस टिश्यू का हमारा जाइलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट टिश्यू इज जाइलम। क्या नेम है उस टिश्यू का, जाइलम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इन टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होती है, लीव्स होती है। लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया गया। इसमें क्या, कुछ एयर के लिए स्पेस होता है, कुछ गार्ड सेल्स होती है। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, अब आगे रीड करेंगे हम गार्ड सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, क्लोरोफिल। नेक्स्ट आपका सनलाइट। अब देखो सनलाइट क्या होता है, क्लोरोफिल कैप्चर सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल आपका क्या कैप्चर करता है, सोलर एनर्जी कैप्चर करता है, कहाँ से, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, सन से। और कौन एब्जॉर्ब करेगा उसको, क्लोरोफिल। इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स में यूज़ होती है कौन, सनलाइट। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ पता है, कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगी, लीव्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब होगी, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस है वो किसके अंदर होनी है, लीव्स के अंदर ही। तो देखो, ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के अंदर जो लोअर सरफेस होता है लीव्स का, उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। और इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टिनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके अंदर होल्स होते हैं, वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटाज आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं लीव्स के। नेक्स्ट, अब इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती कैसे है, ठीक है, वो स्टडी करना है आपने। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाई क्लोरोफिल इज यूज टू कम्बाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज द प्रोडक्ट ग्लूकोज। कि क्या होता है इसके अंदर, कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। देखो, लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। अब ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, किसके अंदर, लीव्स के अंदर, ठीक है। अब लीव्स के अंदर क्या होगी, ये एब्जॉर्ब होगी और इसको यूज़ किया जाएगा किसके साथ, सनलाइट किसके साथ कंबाइन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ। किसके साथ कंबाइन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या क्या रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, H2O प्लस CO2, ठीक है। और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज की, जैसे हमने पहले स्टडी किया था, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज यूज बाय द प्लांट्स एज द फूड। कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स आगे स्टडी करोगे लेसन नंबर सेकेंड में क्या होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो प्लांट्स को भी क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसको फूड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट एंड इज रिलीज्ड इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा। कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, तो उसके बाद जब ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनता है यहाँ पे, ऑक्सीजन। देखो, रिएक्शन कम्प्लीट ये होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है।
ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज के साथ साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। और किसके थ्रू रिलीज होती है? स्टोमेटा के थ्रू, जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है ना, स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी, और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज। देखो ये सेम रिएक्शन आगे गिवन है यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, कि प्लांट्स में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। ठीक है, स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द लीव्स रूट्स एंड स्टेम, और वो एक्सेस जो फूड होता है किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च की फॉर्म में। और वो स्टार्च कहाँ किसकी फॉर्म किस में स्टोर होता है? या तो लीव्स के अंदर, या रूट्स के अंदर, या फिर स्टेम्स के अंदर। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लोएम। देखो जब वाटर की सप्लाई हुई थी वो किसके थ्रू हुई थी? जाइलम के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू हुई थी यहाँ? जाइलम के थ्रू। ठीक है, और जो अपनी फूड की सप्लाई होगी वो किसके थ्रू होगी? फ्लोएम के थ्रू। देखो जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम? इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स, अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम क्या करेगा, जो फूड को ट्रांसफ़र करेगा, इसने मोटर को ट्रांसफ़र किया था, फ्लोएम क्या किसको ट्रांसफर करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से कहाँ तक? लीव्स टू अदर पार्ट्स। ठीक है, बिकॉज फूड कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है? लीव्स के अंदर। और वाटर कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा था? रूट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, कि जो कैक्टस प्लांट होता है हमारा, कैक्टस पता है ना कहाँ होता है? डेजर्ट के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि जो कैक्टस है उसके अंदर क्या हो जाती है, जो लीव्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइंस के अंदर। लीव्स के क्या बन जाते हैं? काटे काटे बन जाते हैं, हमने कैक्टस देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में। तो वो क्यों बनता है? बिकॉज आपको पता है डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट है, राजस्थान वगैरह में मिलता है, और वहाँ पे क्या होता है? रेनफॉल बहुत कम होता है। ठीक है, रेनफॉल कम होता है तो वाटर के अंदर क्या होता है, अब जो आपने कई बार सुबह सुबह उठ कर देखा होगा, जो लीव्स होते हैं लीव्स के ऊपर क्या मिलते हैं आपको? वाटर के ड्रॉप्स मिलते हैं। ठीक है, ये जैसे लीव है, लीव के ऊपर क्या मिलते हैं आपकी? छोटी छोटी वाटर के ड्रॉप्स मिलती हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस, जो इसके अंदर जो कैक्टस है, कैक्टस के अंदर क्या होता है कि जो उसके अंदर जो लीव्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों होते हैं स्पाइंस में कन्वर्ट? बिकॉज ये क्या एक डेजर्ट प्लांट है, यानी राजस्थान के अंदर मिलता है, जहाँ पे क्या होती है रेनफॉल बहुत कम होता है। तो रेनफॉल कम होता है तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की वो ज़्यादा होती है, तो वो वाटर उनको नहीं मिल पाता, तो इसके लिए क्या कर जाते हैं, जो इनकी लीफ है, लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइंस के अंदर। तो स्पाइंस के अंदर यानी कांटेदार लीव्स हो जाते हैं इनके, तो उसके अंदर से क्या हो जाता है, फिर क्या होगा कि वो उसके अंदर से जो वाटर का लॉस है वो कम होगा। ठीक है, बिकॉज लीव्स के ऊपर आपने देखा होगा कई बार सुबह उठते वाटर ड्रॉप्स मिलते हैं, यानी वो उन पर क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर से वाटर, एक्सेस वाटर रिलीज हो रहा है। तो अगर इस प्लांट के अंदर भी अगर लीव्स प्रेजेंट होती तो वो क्या हो जाता, वहाँ से वाटर सारा का सारा रिलीज हो जाता, तो इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लीव्स इसकी स्पाइंस में। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर लीव्स तो स्पाइंस में होती हैं, तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस होती है इसमें लीव्स की बजाय किसके अंदर होती है? स्टेम के अंदर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है? स्टेम के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? कैक्टस के अंदर। कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन लीव्स के अंदर नहीं होती, ग्रीन स्टेम के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी, स्टेम कैसा होना चाहिए? ग्रीन। ठीक है, ताकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहे? क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट, सम अदर ऑर्गेनिज्म सच एज साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी जो एल्गी होती है किस कलर की होती है? ब्लू और ग्रीन कलर की जो एल्गी होती है, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होता है वो, और कुछ हमारी एल्गी वो क्या किस क्या होती है, उनके अंदर क्लोरोफिल होती है, तो उसके अंदर भी क्या हो सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
Leaves that have colors other than green also have chlorophyll. The green color of these leaves is masked by the red, brown and other pigments. देखो जैसे ये हमारा रेड मैपल लीव्स दिखाई हुई है ना, कि एक मैपल का प्लांट और इसकी कलर लीव्स कैसी हैं, रेड कलर की. तो इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है. ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट. ओके okay?